अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान और आप देख रहे हैं आसान कंप्यूटर एजुकेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि किस तरह से हम पेंसिल 2D का सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइमली पहुँचता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों ने गूगल क्रोम में जाने हैं और गूगल क्रोम में आपने टाइप करना है पेंसिल 2D। जैसे ही आप पेंसिल 2D लिख के क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास जो पहला लिंक है पेंसिल 2D एनिमेशन का, ये ऑफिशियल लिंक है, आपने इसी के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास यहाँ पे सामने ही डाउनलोड का ऑप्शन होगा। एक ये डाउनलोड है और यहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आप यहां पे देखेंगे जैसे ही आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे ये आपको यहां पे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड सॉफ्टवेयर के वर्जन्स दिखा देगा। अब क्योंकि हमारे पास विंडोज़ है और विंडोज़ में भी 7, 10 और 8 वर्जन को ये सपोर्ट करता है, उसमें हमारे पास दो किस्म के सॉफ्टवेयर हैं, एक 62 बिट है और एक 32 बिट है। हमें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली ही इसको डाउनलोड करना है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट है या 32 बिट है, तो आप लोग डेस्कटॉप के ऊपर जाके दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं और प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पे आपको मिलेगा सिस्टम टाइप। सिस्टम टाइप के आगे यहाँ पे आपके कंप्यूटर के अंदर ये मेंशन होगा कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट है या 32 बिट है। तो इसी के अकॉर्डिंगली आप लोगों ने जाके उसको यहाँ से, क्योंकि मेरे केस में 64 बिट है तो मैं 64 बिट के ऊपर क्लिक करूँगा और ये यहाँ से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मैंने क्योंकि डाउनलोड किया हुआ है तो इस तरह से आपके सामने ये सॉफ्टवेयर आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है यहीं पर ही, ठीक है। जब आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो आप देखते हैं कि आपके पास ये फोल्डर अंदर से एक्सट्रैक्ट होके आ गया। अब आप लोगों ने इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ से इसको कट कर लेना है और दिस पीसी में जाना है और यहाँ से सी ड्राइव के अंदर आपने प्रोग्राम फाइल्स में यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। जब आप पेस्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये वाला फोल्डर शो हो जाएगा। अब आपने इसको ओपन करके यहाँ पे ये हमारी फाइल है जो एप्लीकेशन फाइल है, इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको सेंड टू कर देना है डेस्कटॉप के ऊपर, ताकि डेस्कटॉप के ऊपर इसका एक शॉर्टकट क्रिएट हो जाए, ठीक है। जब आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे आपके डेस्कटॉप के ऊपर इस तरह से एक आइकॉन क्रिएट हो चुका होगा। अब ये इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये ओपन सॉफ्टवेयर है, इसके ऊपर आप डबल क्लिक भी करेंगे तो ये ओपन हो जाता है। आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह से हमारे पास पेंसिल 2D का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ये इंटरफेस है हमारे पेंसिल 2D का। अब इसको यूज़ कैसे करना है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।